असल में आपको बता देना चाहता। आराम से आराम से आराम से। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं सीन। बाबू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? रोड बना रहा है ना, ये छोटा हेमंत सरकार है, रोड बना रहा है यहाँ पे यात्रीगण के लिए। मैं नहा के आ चुका हूँ हालांकि। तो हेलो दोस्तों, नवी सफर में आपका स्वागत है। अभी सुबह का चार 30 हो रहा है और अभी पीछे देख सकते हैं भाई लोग सोया हुआ है। इधर है मिस्टर राजेश, अभी चलेंगे हम लोग घंटाबाड़ी लंगूरू। दारू पी के सोया हुआ है राजेश, रात में बोला था जल्दी जाएंगे तो सोया हुआ पी के। अभी निकलेंगे हम लोग यहाँ से 5 बजे निकलेंगे, उसके बाद अभी मिलते हैं डायरेक्ट ललपनिया लुगुबुरु घंटाबाड़ी मेला में। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं लुगुबुरु घंटाबाड़ी मेला के लिए और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है गोमिया का नदी, जो गोमिया के सामने में जो नदी गुजरता है वो नदी है। और यहाँ पे देखिए कितना भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ जुटा हुआ है और सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो अब दोस्तों हम लोग मात्र 6 किलोमीटर दूर हैं अपना डेस्टिनेशन से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। और दोस्तों ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके उस पार एक और पहाड़ है, वहीं पे हम लोग को जाना है। तो अभी हम जाएंगे, उसके बाद जो वहाँ ललपनिया का जो वाटरफॉल है छरछरिया, वहाँ से हम लोग पहले स्नान कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद पहाड़ जाएंगे। यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होती है, खास करके जब इवनिंग टाइम होता है तब। मुझे नहीं लगता अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, लेकिन फिर भी चलो ये देखते हैं क्या भीड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह नज़र आ रहा है, वही है मेला और अच्छा खासा सीन देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कुहासा है जिसके कारण थोड़ा ब्लर दिखता होगा आपको। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गाड़ियाँ खड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ी है यहाँ पे, तो भीड़ भी होगा। हमें आशा नहीं था कि इतना भीड़ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना गाड़ियाँ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत सारा गाड़ी है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं ये है वाटरफॉल ललपनिया का, यहाँ पे हर लोग स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना शुद्धिकरण करके पूजा करने के लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे स्नान करके और पूजा करके उसके बाद चलेंगे। तो दोस्तों ये जो वाटरफॉल आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है सीता नाला। ये पानी दोस्तों ऊपर से गिरता है, वो यहाँ पे नहाने का मज़ा ही कुछ है और है। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुका हूँ, हालांकि वीडियो पे नहीं दिखा पाया। अब मैं नहा के आ गया, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। फिलहाल आप ये दृश्य देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे लोग नहाते हैं और क्या नज़ारा होती है और क्या भीड़ होती है यहाँ पे। दोस्तों माना जाता है कि इस पानी में नहाने के बाद जितना भी दुख दर्द होता है, रोग वगैरह होता है शरीर में, बीमारियां होती है, वो ख़त्म हो जाती है, मुक्त हो जाती है। लुगु बाबा लुगु आयो छटका द्वार, यहाँ पे एक छोटा सा गुफा है, उसके बाद जो मेन पहाड़ है वहाँ पे बहुत बड़ा गुफा है, तो वो गुफा भी हम दिखाएंगे। फिलहाल आप ये नज़ारा देखिए, ये लोग यहाँ पे पानी भर रहे हैं। ये दरअसल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पानी भर रहे हैं ये एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, और इस पेड़ के जड़ से बूंद बूंद करके पानी निकलता है और उस पानी को ये लोग भरते हैं और इसको ले जाते हैं। ये देखिए हम जूम करके दिखा दे रहे थे, हालांकि में हम बहुत दूर हैं तो जूम करके हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्लियर से, लेकिन जो है आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं इस पेड़ की तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कौन सा पेड़ है, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पेड़ है। अगर आपको नाम पता होगा इस पेड़ का कमेंट कीजिए। अब बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है, इसलिए हमें जल्दी पूजा करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें 12-13 किलोमीटर का ट्रैकिंग भी करना है पहाड़ पर, और वहाँ पर गुफा में आपको जाके दिखाऊँगा।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूजा कर ली है, अब हम लोग निकलते हैं पहाड़ की ओर। तो चलिए पहाड़ की ओर आपको दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहाड़ की ओर हम जा ही रहे थे, लेकिन दोस्तों रोड में यहाँ पे एक गजब का दृश्य देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं वीडियो में एक माँ अपनी बेटी को चप्पल पहना रही है। दोस्तों अगर आप इस तरह का नज़ारा कहीं देखते हैं, सर्कस वगैरह देखते हैं, तो दोस्तों आप उसे मदद करें, जो भी आपको मन करे आप उसे दीजिए और उसे मदद कीजिए। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह से ये लड़की बॉडी को बैलेंस करके और इस रस्सी पर चलेगी। तो अब दोस्तों हम निकल चुके हैं ट्रैकिंग पे, अब हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ जो ओरिजिनल गुफा है, जहाँ सबसे शक्तिशाली गुफा है, उस नज़ारा को हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आप बने रहें। ये है एंट्री गेट, यहाँ से अलाउ नहीं कर रहा है घुसने को, तो हम थोड़ा आगे जाके घुसेंगे। आगे से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, तो हम आगे जाके घुसेंगे। काली मंदिर है रे, तो दोस्तों अभी हम लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ेंगे, अभी दिखाएंगे कितना बड़ा पहाड़ है। लाइक दिस। तो दोस्तों आपको इस साइड में सिर्फ मिठाइयां ही मिठाइयां मिलेगी देखने को, हर एक प्रकार की बड़ी पूड़ी। हाँ बड़ी पूड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिल रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे खिचड़ी खा लेते हैं। दो एक हमको तो ये है पत्तल, इसको पत्तल बोलते हैं, और इसमें अभी हम लोग खाएंगे खिचड़ी। देखिए खिचड़ी मिल चुका है यहाँ पे गरम गरम। वैसे ही मॉर्निंग में ले जो लेके आ, लेकिन जल्दी करें ना। ये रहा हमारा यमी खिचड़ी, अभी हम खा के देखते हैं क्या टेस्ट है इसका। मिक्स दाल भात कैसा लगा सौरभ भाई? एक नंबर। नाक इधर। तो इसका जो टेस्ट है, ये टेस्ट थोड़ा सा चिकन की जैसा है ना, बट दाल चावल, दाल चावल, हल्दी हल्दी वगैरह ये सब मिक्स सब डाल के एक साथ बनाया जाता है, गड्डी किशमिश वगैरह सब। अभी हम जो लुगुबुरु का जो पहाड़ है घंटाबाड़ी का, वहाँ पे अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, और काफ़ी कठिन भरा रास्ता यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भीड़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत खतरनाक रास्ता है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना पत्थर भरा रास्ता है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं वो जो पहाड़ चढ़ रहे हैं लोग, वहीं पे हम लोग को चढ़ना है। और देखिए दूरी कितना है यहाँ पे, जूम आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा जूम आउट में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो उधर ही छापुन लोग को जाना है। देखिए ये बच्चा पहाड़ चढ़ के रोने लगा। तो दोस्तों पहाड़ चढ़ते चढ़ते हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ चढ़ेंगे। और ओ भाई हाँ कने से तो हाँ। तो दोस्तों अभी जो हम लोग जूम आउट किए थे वो यही जगह है, और अभी हम लोग इस जगह पे बस आ चुके हैं। ठीक केला रे मास्टर आइटो का ना खड़ी होस ना कोई वो आइटो हो कहां गायब हो गए चलेंगे धनी गेले ठीक हां मेरे को सिर्फ देना है।
अरे ये ला इन गेलो से देख सकते हैं हम लोग का क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। ये बिट्टू काफी थक चुका है, पसीना पसीना हो गया है, काफी ज्यादा पसीना हो गए हैं। उसके बावजूद भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रही है। क्या समझते आ रहे हैं? नहीं चढ़ेगा, जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। चलो फिर I tried so hard. फिर तो दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पे कुछ खा लिया था, जिसके कारण अभी हम लोग को थोड़ा बहुत एनर्जी अभी भी है, वरना हम लोग काफ़ी थक चुके थे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये भैया हैं। कहाँ से हैं आप? चित्रंजन। चित्रंजन जामताड़ा। जामताड़ा। फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। अच्छा लगा ना? तो भैया लोग अभी फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, और इनका एक्सपीरियंस भी ठीक ही लग रहा है अभी। दोस्तों आपको सिर्फ पत्थर का ही आवाज़ आएगा और जूतों का, जिस तरह यहाँ पे पत्थर से भरा हुआ रास्ता है, सिर्फ आपको पत्थर का ही आवाज़ आएगा इस वीडियो में। और हमें लगा कि बहुत सामने होगा, बट ऐसा कुछ बात नहीं यार, बहुत दूर है। लोग बोल रहे हैं कि और यहाँ पे 2-4 घंटा लगेगा। अब चलिए देखते हैं और कितना घंटा लगता है। अगर इसमें झारखंड सरकार अगर थोड़ा सा नज़र लगा दे तो रास्ता शायद थोड़ा सा ठीक हो सकता था, लेकिन सरकार सिर्फ पैसे बटोरने में होते हैं, पब्लिक का सेवा कहाँ कर पाएंगे ये। इन रास्तों को अगर थोड़ा सा भी काम करवा दिया होता बढ़िया से तो शायद ये रास्ता थोड़ा सा आसान होता, लेकिन दोस्तों ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता है। अगर किसी भी तरह से पैर यहाँ से फिसल गया तो दोस्तों जान भी जा सकती है आदमी का। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं अभी। बिट्टू इधर काम, रोड में काम चल रहा है। ए बिट्टू कहाँ गया? देख सकते हैं सीन। बाबू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रोड बना रहा है ना? ये छोटा हेमंत सरकार है, रोड बना रहा है यहाँ पे यात्रीगण के लिए। तो दोस्तों रोड का स्थिति तो सच में खराब है। पीछे देखा, दो क्यूट से बच्चे रोड का मरम्मत करवा रहे थे, काम कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे हेमंत सरकार को इन बच्चों से सीखना चाहिए और इस रोड के लिए थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए। हालांकि कोई बात नहीं, अगर रोड भी बन जाएगा तो ये मज़ा नहीं आएगा जो अभी आ रहा है चलने बुलने में। तो चलिए फिर, कितना पवित्र स्थल इसको माना जाता है, एक तरह से संथाली लोगों का ये तीर्थ यात्रा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक दादी है जो बहुत बूढ़ी है, और उसको भी यहाँ पर तीर्थ यात्रा में उनके जो बेटे लोग हैं वो उसे ले आए हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है ये स्थान, जिसको हम बोलते हैं लुगुबुरु घंटाबाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं गुफा। ये जो है ना, ये तीर्थ स्थल है जो हम लोग जाते हैं ना उधर चार धाम, और जिस तरह मुसलमान का रहता है कावा, उस तरह ये है संथाली वाला का। हाँ आराम से आराम से आराम से, पैर रुखे पैर इधर से जाइए। तो यहाँ पे भी एक गॉड है
जिसे यहाँ पे पूजा किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप पत्थर का कंकड़ अगर आप फेंकते हैं और उससे अगर आप कुछ चीज़ का मनोकामना मांग कर उस पत्थर को यहाँ फेंकते हैं तो आपको मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पे हर एक आदमी एक छोटा सा पत्थर फेंकता है और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पत्थर जमा हो चुका है। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पत्थर जमा हो चुका है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोग आए हैं और गए हैं आज, सिर्फ आज। तो हम भी यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, उसके बाद मनोकामना मांगते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे गुफा की ओर। तो दोस्तों फाइनली हमने वहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा फेंका और मनोकामना मांग लिया है। अब देखते हैं कितना जल्दी मनोकामना पूरी होती है, उसके बाद फिर बताऊंगा मैं आपको कि क्या था मनोकामना। और अभी हम निकल चुके हैं गुफा की ओर, आप देख सकते हैं अभी हम पहाड़ी में चढ़ ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम इतना आशा नहीं किए थे कि इतना भीड़ होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्त लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा दर्शक लोग आए हैं। चलो भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओ भाई ये तो जन्नत है। ओए भाई फोटो खींचते ठीक है। कहाँ पता है यार, हम उसको बोल रहे हैं। अरे उठा कोजरा जाना है दुनिया के वाला नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो कौन सा इलाका तो है, नाम भूल रहे हैं हम, दिल्ली तरफ। ए सर हम निंद्रा चल मी तो दोस्तों पहाड़ में 5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम काफ़ी तरीका से थक चुके थे। उसके बाद दोस्तों हमें मिला एक जगह। जी हाँ दोस्तों, उस जगह में हम लोगों ने जाके 10 मिनट रेस्ट किया, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाया, देख सकते हैं फ़ोटोज़ आप देख सकते होंगे वीडियो में। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर रेस्ट करने के बाद जन्नत वाला फीलिंग हुआ। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर फिर से हमारे शरीर में थोड़ा सा नया एनर्जी आ गया, उसके बाद थकावट थोड़ा सा दूर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने वापस वहाँ पर से फिर पहाड़ी की ओर गुफा की ओर यात्रा शुरू किया। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस वीडियो में, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए दिखाते हैं आपको गुफा और यहाँ से कितना दूर है। तो दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं गुफा की ओर, और यहाँ से कितना किलोमीटर होगा पता नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करके। तो दोस्तों और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ट्रैकिंग में आते हैं तो नीचे से ही पानी का बोतल खरीद लें, वरना यहाँ आने के बाद जो 15 रुपये में मिलता है वो बोतल यहाँ पे 30 रुपया 40 रुपये में भी मिल सकता है, इसलिए आप पहले से ही जुगाड़ लगा लें। तो दोस्तों किसी ने बोला था कि जहाँ नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा समझ लेना कि गुफा के सामने अब जा ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में पूरा नेटवर्क मेरा 0 है,
मीन्स जीरो नेटवर्क, नो नेटवर्क है, तो हमें लगता है कि और यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर होगा। अब हम लोग सामने आ चुके हैं गुफा के, तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लुगुबुरु का जो मेन गुफा है वहां पे। और दोस्तों यहां पे आके दिमाग ख़राब हो चुका है इसलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहां पे। हम यहां पे गिन भी नहीं सकते हैं कि कितना भीड़ है यहां पे। लगभग 6 से 7 किलोमीटर के दरमियान में, 6 से 7 किलोमीटर के सर्किल में यहाँ पर खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। और दोस्तों जिधर देखते हैं उधर आदमी ही आदमी नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम खोजते हैं कि गुफा किधर है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम गुफा के पास पहुंच चुके हैं लुगुबुरु घंटाबाड़ी का। और जो पंवाल आपको दिख रहा है वही है एंट्री गेट गुफा का। उसके बाद दोस्तों ये गुफा ज़मीन के अंदर अंदर लगभग बहुत ज़्यादा दूर तक ले गया हुआ है। आप देख सकते होंगे ये जो पत्थर और ज़मीन जितना भी दिख रहा है उसके अंदर एक गुफा बना हुआ है और नीचे नीचे बहुत दूर ले जाया गया है। आपको इस पत्थर के नीचे आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक लेडीज है जो कि डांस करते हुए दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो डांस नहीं है, उसमें उनको शरीर में गॉड प्रवेश किया है जिसके कारण वो इस तरह से कर रही है। तो ये है गुफा के अंदर ही है, और इसके अंदर और भी अंदर गुफा इसका गया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा ये मैं ले जा रहा हूँ दूर। ये गुफा का ही दृश्य है और देख सकते हैं वहाँ पे अंदर जा रहा है लोग, और इससे भी और दूर गुफा है। मैं थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते होंगे आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है वाइट वाइट। मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ बट यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप रेड रेड यहाँ पर जो दिखा वो गुफा के अंदर जो दिखें, कितना अंदर अभी हम आए हुए हैं, लगभग यहाँ पे 100 मीटर अंदर आए हुए हैं। तो दोस्तों जो सबसे मेन मंदिर है लुगुबुरु का वो यही गुफा के अंदर है। इस गुफा के नीचे जाने के बाद जमीन के अंदर आपको लगभग 100 मीटर भीतर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे लुगुबुरु बाबा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल है यहाँ पे संथाली लोगों के लिए। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गुफा के अंदर कैसे लोग जाते हैं। ये लगता है थोड़ा ख़तरनाक बट अभी तक ले ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। हालांकि वहाँ पे सांस लेने का जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का वहाँ पर थोड़ा सा कमी होती है। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो पहाड़ ट्रैकिंग था वो पूरा हो चुका है, हमने गुफा भी दिखा दिया। अब दोस्तों हम लोग घर निकल चुके हैं घर की ओर, और देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है आपको। चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही है और बीच में पहाड़, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।